निर्माण कार्य विकास को परिभाषित करते हैं, लेकिन जब विकास के कार्य आम जनता के लिए मुसीबत बन जाएं, तो इसे क्या कहेंगे। हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद जिले के पिपरिया नगर की, जहां शहर के बीचों बीच अव्यवस्थित रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अव्यवस्थित रूप से किए जा रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से जारी रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर के चारों ओर उड़ता धूल का गुबार लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। दरअसल पहले तो शहर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली छोटी सी पुलिया नौसिखिए ठेकेदार की भेंट चढ़ गई, तो दूसरी ओर शहर के बीचों बीच बनाए जा रहे ओवरब्रिज निर्माण में ठेकेदार के मनमाने काम और लीक लतीफी के चलते स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। 25,000 को नुकसान बहुत बड़ी दिक्कत है जी, तबीयत की ज्यादा ज्यादा है। दुकान देख रहे हैं तो पैसे लग रहा हूँ, फल खुद को जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा कुछ नगर जो मेरा नल के रहन बस कुछ नहीं बार नहीं है यार जी, चलिए बार हो नहीं है, इससे तो अब दम भी सरकार हो गई, दम उठ रहे हैं। ऐसी मैसी नहीं, दुनिया भर का इंतजाम कर रहा है, फिर वह सिंचाई पर्दा दुनिया जो आप देख खुद ही देखो नहीं, दो सालों धंधो ही खराब है। इसके साथ ही शहर के बीच से रेलवे रेक पॉइंट तक गुजरने वाले भारी वाहनों का धूल उड़ाना बदस्तूर जारी है। निर्माण कार्यों की बात करें तो वह कॉर्डर से निहित तिथि में कार्य न होने और बार बार टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे शहर में 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। पूछने पर जहां एक और ठेकेदार कैमरे के सामने आने से मना करते हैं, तो वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। रेलवे परिसर में भी रेक पॉइंट्स पर उड़ती धूल यात्रियों और शाम को यहां आसपास टहलने आने वालों के लिए भी बीमार करने जैसा साबित हो रहा है। धूल से एलर्जी, दमा, सर्दी, जुकाम जैसी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। डस्ट से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब आँखों के लिए, हार्ट के लिए, सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम है, और घर तो गंदा होता ही है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शरीर को नुकसान है ये प्रॉब्लम। मेरे खुद का आई का ट्रीटमेंट ऑपरेशन हुआ, मैं 2 महीने बाहर नहीं निकल पाया। मेरे बच्चे का एलवी प्रसाद में हैदराबाद में ट्रीटमेंट हुआ, उसको 6 महीने में यहाँ लाई नहीं, वो अपनी नानी के घर रहा डस्ट के कारण, ओनली डस्ट के कारण। तो ये इसके लिए अभी आपने कोई इंजीनियर ठेकेदार को बोला नहीं? नहीं, ठेकेदार को बोला तो बस क्या करते, कभी कभार एक बार पानी डाल देते, एक दो बार, तो पानी से क्या होता, 5 मिनट में सूख जाता है वो तो पानी। ये देखिए अभी डाल रहा हूँ, थोड़ी देर वो सूख जाएगा पानी। बस ये अप्रोच मार्ग भी नहीं बनाया है और सीधा यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण कार्य कर दिया है, और ना अब बरसात में पूरा पानी भर जाता है गड्ढे, यहाँ पूरा पानी भर जाता है, कीड़े काटने का डर भी रहता है, सबसे बड़ी चीज तो ये। जिन प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो शहर की आवाम से न उन्हें पहले मतलब था, न अब भी, केवल विकास कार्यों का ढोल पीटते देखे जाते हैं। लेकिन इस बीच शहर की इस बड़ी समस्या का कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।